बहुचर्चित गोलीकांड के आरोपी ने किया सरेंडर, रिटायर्ड डीएसपी को मारी थी गोली। रिटायर्ड डीएसपी को गोली मारने वाले आरोपी ने किया भाई के साथ एसपी के सामने सरेंडर। शिवपुरी पूर्व डीएसपी सुरेश सिंह सिकरवार पर गोली मारकर जानलेवा प्रयास करने के मामले में फरार मुख्य आरोपी सौरभ चौहान व उसके छोटे भाई अमन चौहान ने किया एसपी कार्यालय में सरेंडर। प्रॉपर्टी के विवाद के चलते घर पर जाकर सौरभ ने शिवपुरी पूर्व डीएसपी सुरेश सिकरवार के निवास पर जाकर कुछ माह पूर्व गोली मारी थी, जो पूर्व डीएसपी सुरेश सिंह सिकरवार के गाल में जा लगी थी, जिससे वो घायल हो गए थे। अपराध हुआ था जिसमें एक रिटायर्ड डीएसपी को घर पर जाकर गोली मार रही थी, उससे मुख्य आरोपी और उसके एक साथी फरार था, बाकी तीन लोग अरेस्ट हो चुके हैं। तो उनको आज जो पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, तो उस दबाव में फिर वो आज उन्होंने टीआई कोतवाली के सामने सरेंडर किया है। दोनों आरोपियों को अभी जस्ट कस्टडी में लिया गया है और उनसे पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई इस प्रकरण में की जाएगी, और इस पे इनाम भी इन पे घोषित था, तो वो उस पे भी जो संबंधित टीम है जिसने लगातार कार्रवाई की है उसको भी रिपोर्ट करते हैं। ये अभी टीआई कोतवाली के सामने सरेंडर हुए हैं आज, ये अभी पूछताछ करेंगे, क्योंकि अभी जस्ट जब बातचीत होगी पूछताछ करेंगे उसके बाद कार्रवाई करेंगे। कितने आरोपी थे? ये टोटल 5 आरोपी थे, जिनमें से एक आरोपी जिसने गोली चलाई थी वो आज सरेंडर हुआ है, उसके साथ में उसका छोटा भाई।